दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल देवेंद्र अग्रवाल एसी टेलीकॉम। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं किस तरह से मेरे स्टूडेंट ने हॉस्टल में टेस्ट सेक्शन बनाया और उसको कितने अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको भी समझाना आए किसी दिन, आई होप कि आपको बनाना आए, आई होप कि आप भी ऐसा काम कर सके, आई होप कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने दिखाया। शेयर किया अपना एक्सपीरियंस अपनी क्लास का और बाकी सारी चीजों का। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किस तरह से मोबाइल का टच बनाया जा सकता है। जो दोस्तों वो जो मोबाइल था वो काफी दुकानों में घूम चुका था और उसके पास भी काफी समय से पड़ा हुआ था, जिसको वो समझ नहीं पा रहा था, बना नहीं पा रहा था। तो जब उन्होंने यहाँ पर आया तो सच बताइए मैंने उसके मोबाइल को देखा तक नहीं। मैंने तो अपना सेक्शन उसको कराया, पर उस सेक्शन करने के बाद जब वो हॉस्टल गया तो उसने अपने मोबाइल को रिपेयर किया। सो यही हमारा उद्देश्य होता है, हम स्टूडेंट को बैठ के उनके मोबाइल अगर हम रिपेयर करेंगे तो ये तो दुकान हो गई ना। हम तो इंस्टीट्यूट चलाते दोस्तों, इंस्टीट्यूट आपको ट्रेन करता है ताकि आप खुद काम कर सके। अगर आप ही का काम हम करेंगे तो इंस्टीट्यूट किस बात का। सो आई एम, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा सफल होंगे। और ये सोचिए कि हारने के लिए तैयार रहिए। हमें पता है कि बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली है, पर अगर वो चीज हम लगातार करेंगे और कहीं ना कहीं वो चीज हमारी लाइफ को असर करेगी। और देखना एक दिन आप हार के जीतोगे और जब जीतना चालू करोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए टच सेक्शन। स्टूडेंट हूँ, आज हमारे सर ने टच का सेक्शन बताया था, जो कि टच कैसे बनाया जाता है, क्या टेस्टिंग होती है, फुल टेस्टिंग, हर टेस्टिंग। ये मेरे पास एक दुकान पे बहुत दिन से सेट पड़ा हुआ था, जो लावा का X17 मॉडल है। इसमें फॉल्ट दोस्तों ये है कि एक टच काम नहीं कर रहा, जैसे कि आप देखिए मैंने बैटरी दिखा ली, इसका बैटरी नहीं था तो हमने ऐसे चिमटी से बनाया है। ये बैटरी टच नहीं काम कर रहा फोन में दोस्तों। एक्चुअली में इसमें फोल्ट जो है सो मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो टच का इसमें चार पॉइंट जो कटा हुआ है, एक्चुअली में फोल्ट ये भी नहीं है। इसमें क्या है कि रीडिंग जो आनी चाहिए वो रीडिंग इस पर नहीं आ रही, जैसा कि अभी आप लोगों को बता रहे। फोन को मैं बंद कर देता हूँ, चिमटी को निकाल देता हूँ यहाँ से। देखिए मैं आपको इस मीटर में के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। ये मैंने डेक मोड पर रखा है, अब इसका मैं फुल टेस्टिंग करता हूँ। तो इसकी फर्स्ट पॉइंट जो है ये वाला है, इस पर रीडिंग आप देख सकते हैं 412 है, ये सही रीडिंग है। इसका सेकेंड पॉइंट जब हम देखते हैं तो एक ग्राउंड है। इस टच का जो 6 कनेक्शन का टच है उसमें एक पॉइंट ग्राउंड होता है, जो कि हमको ग्राउंड ए मिल गया है। दो नंबर ग्राउंड है, पहला में रीडिंग आ रही है। इसका तीसरे पॉइंट पे चेक करते हैं तो तीसरा पॉइंट भी दोस्तों देखिए सही है, 583 रीडिंग जो सही है। चौथा पॉइंट इसका जो चेक करते हैं हम, चौथा पॉइंट भी सही है इसका। और इसका पांचवा पॉइंट जो चेक करते हैं हम इस रीडिंग में, देखिए दोस्तों इसमें अब कुछ फर्क है। वो सब आपने देखा कि 512 413 413 जो भी है रीडिंग, इसमें आपको 700-800 से ज्यादा नहीं आना चाहिए रीडिंग। इसमें 1600 आता आ रहा है, तो 1600 यानी कि आप इसको लीकेज मान सकते हैं। इस ग्राउंड में कुछ चीज लीकेज है जो अभी हम लोग ट्रेसिंग करके देखेंगे। तो पांचवा नंबर था सर, और दो छठा नंबर हम इसको चेक करते हैं जी। छठे नंबर भी देखिए इसमें आपका लीकेज है, इसको हम जहां तक अभी तक चेक कर रहे दोस्तों देखते हैं। पांच नंबर की जो कैपेसिटर रह गया, इसमें दो रजिस्टर लगा हुआ दिख रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ। हाँ ये जो जो रीडिंग आर्थ रजिस्टर पे भी वही आ रहा है, इसका दूसरे साइड देखते हैं क्या आ रहा है। जी है दूसरे साइड वही रजिस्टर का देखिए सही वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये रजिस्टर जो है लीकेज हो चुका है। तो इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, चाहे हटा के जम्फर भी कर सकते हैं। और एक और था इसको चेक करते हैं, इस साइड तो सही आ रहा दोस्तों, इसके दूसरे साइड देखते हैं। हाँ ये दूसरे साइड लीकेज वाला जो वोल्टेज था वो आ रहा,
रीडिंग, तो ये गलत रीडिंग है, इसको हम हटा के अभी रजिस्टर की जगह पे जम्फर करेंगे अभी हम लोग। तो देखिए कैसे हम अभी इसको जम्फर करते हैं। मैं इस का आपका जो रजिस्टर जो लीकेज था उसको मैंने निकाल के जम्फर मार दिया है, तो आप देख सकते हैं जम्फर। रोहित जी दिखाइए, हाँ ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ था उसको मैंने निकाल के जम्फर कर दिया है। अब मैं आपको इसका रीडिंग जो 1600 के करीब आसपास आ रहा था, तो मैं इसका रीडिंग आपको जैसे टेस्ट कराता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं। मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको, जो पहला रीडिंग था हम लोगों का 401, ठीक है सर। दूसरा रीडिंग जो हम लोगों का था डीप था। तीसरा रीडिंग जो हम लोगों का, ये देखिए 5, ठीक सही है सर जी। और चौथा रीडिंग देखिए, ये भी सही है, सही है। पांचवा रीडिंग देखिए, जहाँ 1600 करीब आसपास आ रहा था वहाँ आपको 463 जो सही है वो आ चुका है। और इसको मैं देख रहा हूँ तो ये भी जो 1600 के आसपास आ रहा था ये भी आपका रीडिंग सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब मेरा रीडिंग सही है तो मैं बिना इसको के अंदाजा से ही बता सकता हूँ कि ये मेरा टर्स काम करेगा। तो दोस्तों मोबाइल तो सब बना देते हैं, लेकिन सही नॉलेज के साथ बनाना बहुत ही अच्छा बात है। जैसे कि मैं आपको फॉल्ट भी यहीं से बताया और सॉल्यूशन भी यहीं से बताया बिना टेस्ट किए, लेकिन अब देखिए आपको मैं टेस्ट करके बताना चाह रहा हूँ कि ये काम करेगी है, 110% काम करेगी है। देखिए चालू हो रहा है, तो आप अपने सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सर बहुत ही एक एक सेक्शन को बहुत बढ़िया डीपली में समझाते हैं, जो कि आप इसको हर एक कौन हमारे जो सर हैं देवरत्न अग्रवाल सर, वो हमारे को एक एक सेक्शन इस तरह से बताते हैं कि डीपली में जाके जो ये नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा वो नॉलेज आपको कहीं भी इंडिया में नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं अपने स्टूडेंट का इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, जो कि मैं यहाँ पर आने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट काफ़ी लंबे चलते हैं, टाइमिंग करीब 11 बजे शुरू होती है जो शाम को 6 से 7 बजे तक चलती है। इसलिए हमारे सर एक महीने में पूरे, और रात में हमारे जो राजेश सर आते हैं, ये जैसे मेरा फ़ोन चालू हो गया है अब इसका हम लोग टच को काम कर, हमारे रात को जो सर राजेश सर 9 बजे आते हैं और रात को 1:30 बजे तक हमारी क्लास चलती है, 1:30 से 2 बजे तक हमारी क्लास पूरी कम्प्लीट कंटिन्यू चलती है। तो इस तभी जाके हम लोग का जो कोर्स है एक महीने में कंप्लीट हो पाती है। तो राजेश सर हम लोग को बहुत बढ़िया से इसका प्रैक्टिकल और बताते हैं, हमारे यहाँ कोई कॉपी पेन नहीं लेके आया जाता है। जैसे हमारी टच अभी फ़ोन चालू हो चुका है तो आप देखते हैं, जैसे कि हम लोग तो आपको शुरू ही बता देते हैं हमारी टच काम करेगी। ये देखिए फ़ोन चालू है, ये हमारी टच वर्क कर रही है। देखिए दूसरा का मिस्त्री का काम छेड़ा हुआ मैंने कितनी आसानी से आपको बना के बताया, जो कि छोटा सा फॉल्ट था एक छोटा सा, जिसके चलते इस मिस्त्री ने इसके कनेक्टर को उखाड़ दिया, काफ़ी सारे कनेक्शन के तोड़ दिया, लेकिन मैंने छोटा सा फॉल्ट को तुरंत फाइंड आउट किया। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी सीखना चाहते हैं, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? एशिया टेलीकॉम। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्यून है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। तो ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओगे सब कुछ बना लोगे। अच्छा रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। और इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है क्या ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर दूँ कि मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.